नमस्कार भाइयों, मैं अनुज तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, वो भी टॉपिक वाइज। और जो आज मैंने इस वीडियो में टॉपिक लिया है तो वो है जो वायुमंडल की परतें हैं, विभिन्न परतें हैं, उनके बारे में एक वीडियो बनाया है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जो इस ये टॉपिक है ये पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, और जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सिर्फ वही अटैम्प्ट किए हैं, बाकी बकवास क्वेश्चंस एक भी अटैम्प्ट नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। जो पहली जो ये टॉपिक है ये है क्षोभ मंडल के बारे में, यानी ट्रोपोस्फेयर, जो सब पृथ्वी की सबसे निचली परत है, क्षोभ मंडल। देखिए इसके बारे में जान लेते हैं, क्षोभ मंडल के बारे में क्या क्या है। देखिए पहला क्या है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो वो क्षोभ मंडल होती है। और दूसरा इसके बारे में है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है ध्रुव पर, तो वो होती है 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा से इसकी ऊंचाई होती है 16 किलोमीटर, यानी मल्टीपल होता है, डबल मल्टीपल। और अगला है, सभी वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा किस मंडल में होती हैं, तो वो भी क्षोभ मंडल में होती हैं। जो ये बारिश मौसम होता है, बादल बादल बनना, सब क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही होता है। और किस मंडल को संवाहन मंडल भी कहते हैं, तो वो भी क्षोभ मंडल में है। दोस्तों हालांकि इस पर बहुत सारी क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सिर्फ इतने ही बनते हैं। तो चलिए अगला मंडल देखते हैं कौन सा है। और अगला है दोस्तों समताप मंडल। देखिए इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, समताप मंडल की पहले तो ऊंचाई देख लेते हैं कितनी होती है, तो वो 16 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक हो सकती है। और जो है अगला, कौन से वायुमंडल में वायुयान आदर्श दशा में उड़ाए उड़ पाते हैं, या फिर जो वायुयान उड़ाए जाते हैं वो कौन सी मंडल में उड़ाए जाते हैं, तो वो भी है समताप मंडल, क्योंकि इसमें जो बारिश, आंधी, तूफान, बादल ऐसी घटनाएं नहीं होती, तो जो वायुयान होते हैं वो आसानी से उड़ सकते हैं, तो वो समताप मंडल में उड़ते हैं। और रह अगला है, समताप मंडल में जिन विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो ये मूलाभ मेघ। तो यही मेघ ऐसे होते हैं जो समताप मंडल में होते हैं, बाकी सब जो बादल होते हैं वो सब क्षोभ मंडल में हो जाते हैं। चलिए अगला मंडल कौन सा है। हाँ दोस्तों अगला मंडल है मध्य मंडल। तो इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी ऊंचाई है दोस्तों 50 से 80 किलोमीटर, यानी कि यदि आप सारे मंडलों को एक साथ करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। जो क्षोभ मंडल होता है वो 16 किलोमीटर तक होता है, जो समताप मंडल होता है वो 16 से 50 होता है, और जो मध्य मंडल है वो 50 से 80 होता है। तो ये किलोमीटर में दूरियाँ हैं, यदि आप इनको सबको कनेक्ट करके पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए इस मंडल में कौन सी गैस की परत है, तो वह है ओजोन परत। जो या अब देखो इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि जो ओजोन परत है वो किस मंडल में आती है, वो भी मध्य मंडल में आती है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, कौन सी गैस को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं, तो वो क्या है ओजोन परत, क्योंकि ये पृथ्वी की जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं ओजोन परत उसे रोकती है, परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर प्रवेश करने से रोकती है, इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। और देखिए अगला क्या है, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है, तो वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC, क्योंकि CFC एक खतरनाक गैस है और इसके प्रभाव से जो ओजोन परत है उस पर छेद हो गए हैं, अंटार्कटिका में छेद हो गया है और वहाँ की बर्फ़ पिघलने लगी है। तो ये जो CFC गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन परत को नष्ट करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों ये भी समताप सॉरी मध्यमंडल का ही पार्ट है। जैसे कि CFC कहाँ से निकलती है, तो एयर कंडीशनर से निकलती है, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज से निकलती है, ऐसी गैसों को बोलते हैं जो इनसे निकलती है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो है डाब्सन इकाई का। डाब्सन इकाई की सहायता से ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है। और नेक्स्ट है, इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि यदि हम मध्य मंडल के ऊपर जाएंगे, जितने ऊपर जाएंगे दोस्तों उतनी ही जो तापमान है वो बढ़ता चला जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मंडल में प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान का क्या अंतर आता है, तो वो है 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि। यानी जितना भी ऊपर जाओगे 1 किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर पर आपका जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। और अब आता है दोस्तों हमारा आयन मंडल। तो आयन मंडल की ऊंचाई कितनी है, तो वो है 80 से 600 किलोमीटर तक ऊंचाई है इसके। और अगला है, इस मंडल में सबसे नीचे यानी डी लेयर से कौन सी तरंगें परिवर्तित होती हैं, तो वो है
लंबी रेडियो तरंगें। और जो दोस्तों ये रेडियो तरंगें होती हैं वो आयन मंडल से ही लौट के जाती हैं। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस मंडल में E1, E2, F1, F2 परतों से कौन सी तरंगें परिवर्तित होती हैं? तो वो छोटी रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं। जैसे कि जो डी लेयर से परिवर्तित होती हैं तो वो बड़ी रेडियो तरंगें, और जो ई और एफ से होती हैं वो छोटी रेडियो तरंगें। और नेक्स्ट है, पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधा कौन से मंडल के कारण सुचारू रूप से चलती है? तो वो भी है आयन मंडल से, जो कि सिग्नल जो आते हैं टेलीफोन, रेडियो और टेलीविजन के, वो सब आयन मंडल से ही लौट कर आते हैं। और नेक्स्ट है वायुमंडल। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे ऊपरी परत है ये पृथ्वी की। देखिए वायुमंडल के बारे में क्या इम्पोर्टेंट है, वायुमंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये 600 किलोमीटर से ऊपर ही ऊपर होती है। और इस मंडल में कौन सी गैस की प्रधानता होती है? तो वह है हाइड्रोजन और हीलियम, इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये दोस्तों जितने भी मंडल थे पाँच मैंने आपको करा दिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और ऐसी वीडियो में यदि आप और चाहते हैं तो और ये कमेंट में लिख के बताएं, मैं और आपको ऐसी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो में तो सिर्फ इतना ही है, तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।